हे दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएचर प्लैनेट में। एक बार फिर मैं एक अद्भुत जीव के साथ आया हूँ जिसका नाम है मैंटिस श्रिम्प्स। मैंटिस श्रिम्प्स को स्टोमाटोपॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। मैंटिस श्रिम्प्स एक मराइन प्रजाति है। मैंटिस श्रिम्प्स औसतन 10 सेंटीमीटर तक होती है और इनमें कुछ 38 सेंटीमीटर तक अपनी लंबाई हासिल कर लेती है। अभी तक सबसे लंबा मैंटिस पकड़ा गया है जो 46 सेंटीमीटर का था और वो भारत के नदी में पाया गया था। मैंटिस श्रिम्प्स में बहुत विविधताएं पाई जाती है और वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक रंगों में पाई जाती है और इनमें कई प्रजाति होती हैं और सबसे रंगीले प्रजाति को हम लोग जानते हैं पिकॉक के नाम से, पिकॉक मैंटिस श्रिम्प्स। और मैंटिस श्रिम्प्स के लगभग 450 अलग अलग प्रजातियां होती है और ये ज़्यादातर समय अपने गहरे पानी में बिताती है और इसका निवास ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर में होती रहते हैं। ये ज़्यादातर समय नदी में गड्ढे खनकर उसमें बिताते हैं। मैंटिस श्रिम्प्स में एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो अपने ताकतवर हथौड़े जैसे क्लॉज के लिए विख्यात हैं। अपने ताकतवर क्लॉज से कभी कभी वो एक्वेरियम को भी तोड़ सकती है। एक्वेरियम में अनेकों जीव रहते हैं और मैंटिस श्रिम्प्स पालतू के लिए तो बिल्कुल नहीं है और ये एक्वेरियम में रखने पर उसमें निवास जैसे हम लोग फिश या कुछ और जलीय जीव पालते हैं उनको ये खा जाता है और ज़्यादा बड़ा होने पर ये कभी कभी एक्वेरियम को भी तोड़ देता है। मैंटिस के पास 16 प्रकार के कलर रिसेप्टिव्स कोन्स होते हैं जबकि ह्यूमन बीइंग के पास बस 3 ही होते हैं। मैंटिस श्रिम्प्स की प्रजातियां क्लब के नाम से भी जानी जाती है जो अपने क्लॉज से पावरफुल अटैक करती है और कुछ प्रजातियों के बहुत ही तेज फोरलिम्स होते हैं जो कि शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अब हमारा सफ़र यहीं तक ख़त्म होता है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रोज़ एक नई अद्भुत प्रजातियों की जानकारी पाइए। सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल।